नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई फिर से आ गया एक नई शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए। जो इस शॉप पे आपको सिर्फ प्लेन कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसको ताश बोलते हैं हिंदी में, काफ़ी सारे आदमी उसको ताश ही बोलते हैं और प्लेन कार्ड ही बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को दिखाएंगे प्लेन कार्ड, ताश का मतलब क्या, सब प्राइज है, क्या रेट है, कैसा कैसा ताश दिखाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं विजय इंटरप्राइजेज में हम आए हुए हैं और यहाँ तक आप लोग किस प्रकार आएंगे, कैसे आएंगे, एक्यूरेट लोकेशन हम अभी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, वहाँ से भी आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिए। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मैप लोकेशन भी हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग जो है कि मैप लोकेशन के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। इस शॉप पे किसी भी जगह से आते हैं तो आपको डायरेक्ट सरैयागंज टावर पे आना है। सरैयागंज टावर से आपको पश्चिम की तरफ आना है, थोड़ा सा आगे 10 मीटर आगे आएंगे आपको बाटा का शोरूम मिलेगा। बाटा का शोरूम के बगल से गली में ही भैया का शॉप है। तो चलिए यहाँ के शॉप ऑनर से हम बात करते हैं और सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ऑल पे जाइए, कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं शॉप ऑनर से बात करते हैं और सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो किस किस प्राइस में और कैसा कार्ड दिखाएंगे सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, बने रहिए हमारे। हाँ तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं सरैयागंज टावर यही है। अगर आप लोग किसी भी जगह से आते हैं डायरेक्ट आपको आना है सरैयागंज टावर पे। आप लोग देख सकते हैं सर, तो सरैयागंज टावर पे आने के बाद आप लोगों को चलना है पश्चिम की तरफ। तो अभी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं पश्चिम की तरफ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए और हम किस प्रकार वीडियो में चलना है, आप लोग जो है कि उसी प्रकार आइएगा उस शॉप पे विजय इंटरप्राइजेज में जाने के लिए। पश्चिम की तरफ आप लोग आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिबर्टी का भी शोरूम है, उसके बगल में खादिम्स का शोरूम है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए खादिम्स शोरूम के बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाटा का शोरूम हुआ। देख सकते हैं, देखिए ये बाटा का शोरूम है। बाटा का शोरूम से बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है आप लोगों को। बाटा का शोरूम के बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी है और सेंट्रल बैंक के सामने आप लोग देखिए यहाँ पे सफारी का भी, मतलब कि VIP सूटकेस का भी यहाँ पे शॉप आप लोग देख सकते हैं। VIP के आपको ये शॉप के ठीक सामने में आपको ये गली दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसी गली में आपको आना है। तो चलिए हम चलते हैं विजय इंटरप्राइजेज में और सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ आप लोग इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा रेंज है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ प्लेन कार्ड का ही दिखाएंगे और इसका जो है कि नेक्स्ट वीडियो आएगा और सारे चीज़ का। आप लोग देख सकते हैं इसमें इतना ना आइटम है, इस दुकान में इतना सारा चीज़ मिलता है कि आप लोग जो है एक ही वीडियो में बताना, अगर बताते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा यहाँ पर कार्ड का रेंज लगा हुआ है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए वहाँ पे भी कार्ड का रेंज दिख रहा है और आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारा कार्ड का रेंज है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे कार्ड का रेंज आपको दिख रहा है। देखिए और ऊपर में भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये मतलब यहाँ स्पेशल मतलब कि कार्ड मिलता है। आप लोग जो है कि पूरा मार्केट ट्राई कर लीजिए, यहाँ पर आइए आपको यहाँ पर जो है कि A to Z कार्ड मिल जाएगा, प्लेन कार्ड। तो चलिए यहाँ के जो शॉप ऑनर है उनसे हम बात करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम बिहारी है। अच्छा बिहारी जी, आपका शॉप का क्या नाम हुआ? हमारे शॉप का नाम विजय इंटरप्राइजेज है। अच्छा जी, हम लोग बहुत सारे गुड्स में डील करते हैं लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे पास वैराइटीज है, बहुत सारे रेंज है, उन सबको आपको जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे उनको। भैया आपके शॉप तक कोई नया कस्टमर किस प्रकार आएंगे, थोड़ा एक्यूरेट लोकेशन बताइए आप। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारा सिंपल है, या तो आप गूगल पे भी हमारा शॉप रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप वहाँ पे सर्च करके विजय इंटरप्राइजेज टावर चौक डालिएगा तो वहाँ से आपको लोकेशन मिल सकता है, या फिर आप सरैयागंज टावर पर उतरिए, बहुत पॉपुलर है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सरैयागंज टावर से वेस्ट आना आपको पश्चिम की तरफ, पश्चिम से 10-8 कदम आगे बढ़िएगा तो बाटा शोरूम है, बाटा शोरूम चल का भी आगे बढ़िएगा या किसी से विजय इंटरप्राइजेज पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर चल रहा है, पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप लोकेशन भी डाल देंगे। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का मतलब कि प्रॉब्लम हो यहाँ तक आने में तो आप लोग मैप लोकेशन के माध्यम से आ सकते हैं यहाँ तक। तो भैया आपका शॉप खोलने का क्या टाइम टेबल है?
हमारा शॉप फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वर्किंग डेज में और हॉलीडेज में भी खुला रहता है, यानी संडे को भी खुला रहता है। अच्छा। ठीक है, हमारे शॉप ओपनिंग का टाइम 9 AM है और 8 PM में शॉप क्लोज हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो भैया अभी दीपावली का टाइम आ गया, काफ़ी सारे आदमी का डिमांड था कि भैया अपना मुजफ्फरपुर में प्लेन कार्ड जिसको ताश बोलते हैं, हाँ जी, वो कहाँ मिलेगा। तो हम काफ़ी मतलब कि मार्केट घूमने के बाद जो है से कि हमें यहाँ के बारे में पता चला, तो भैया हम यहाँ पे आए। तो भैया आपके पास किस किस प्रकार का कार्ड मिलेगा? पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं जो भी व्यूअर है आपके राजू सोनी चैनल के, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको नमस्ते। और इस वीडियो में हम आपको प्लेइंग कार्ड के सारे रेंज दिखाएंगे, कम से लेकर के हाई रेट तक। ठीक है, अच्छा जी, तो कम से कम किस रेंज का प्लेइंग कार्ड आएगा भैया आपके पास? सबसे कम रेट का 99 रुपये पर डजन का आएगा। अच्छा। ठीक है, 12 पीस क्वान्टिटी होगी उसमें। अच्छा अच्छा, 8 रुपये 25 पैसे एक पड़ा। अच्छा अच्छा जी, सबसे कम रेट के वहाँ। अच्छा, मतलब कि कार्ड का A to Z रेंज आपके पास मिल जाएगा? हाँ जी, हमारे पास सारी वैरायटीज की कार्ड है। नॉर्मल कार्ड लीजिए, अच्छा, राष्ट्रीय कोटेड कार्ड लीजिए, वो भी अवेलेबल है। और एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसमें लोग चोचे से पता चल जाता है, वो भी कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, तो भैया सबसे कम वाला आप जो कार्ड बताए थोड़ा उसको दिखाया जाए कि कैसा कार्ड है। सबसे कम की कार्ड ये है 555। अच्छा, 99 रुपये दर्जन की, जो जनरल चलता है हर जगह आपको मिल जाएगी। अच्छा। ठीक है, सबसे कम की ये है, और बाकी आपको जितनी रेंज चाहिए वो सब भी है। सबसे कम की ये है, 99 रुपये पर दर्जन की है। अच्छा। ठीक है, उससे ऊपर अगर आप आइएगा तो KCNO नाम की कार्ड है। अच्छा, ये 114 रुपये दर्जन की है। ठीक है, यानी 9.5 रुपये पीस की है, 114 रुपये दर्जन। ठीक है, और उससे हल्का ऊपर आइएगा तो ये आएगी। अच्छा अच्छा, 150 रुपये दर्जन की है, 12.5 रुपये पीस की है। अच्छा, अच्छा। ये कार्ड प्लास्टिक कोटेड है। अच्छा जी, वन साइडेड पॉलिश है और प्लास्टिक कोटेड है, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, कार्ड कितनी खूबसूरत है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जी, कार्ड काफ़ी खूबसूरत है। और बीच का मेरा एक छूट गया है। अच्छा, एक ये कार्ड है जिसको लोग आसमा 555 करते हैं, लेकिन उससे बहुत बेटर क्वालिटी कार्ड है। अच्छा। ये मात्र 120 रुपये दर्जन की, यानी 10 रुपये पीस की है बस। अच्छा अच्छा, ये 10 रुपये पीस पड़ेगा? हाँ जी, खुला में ऐसे दुकानदार लोग इसको तब 20 रुपये 25 रुपये बेचते हैं। हाँ जी, आराम से बेच सकते हैं। अच्छा, 15 भी बेचिएगा तब भी 50% प्रॉफिट है आपका। अच्छा जी, 15 रुपये में बेचिएगा तो। अच्छा जी, उससे ऊपर लीजिएगा तो ये पाइन नाम से कार्ड आएगी। इसमें 3 वरायटी आएगी, गैलेक्सी है, रॉकेट है, चिल्ली है, और ये पाइन। ठीक अच्छा है जी। पाइन 555, ये प्लास्टिक कोटेड कार्ड है। ये सारे रेंज आपको मात्र 14 रुपये पीस के आएंगे। अच्छा जी, ठीक है, प्लास्टिक कोटेड सारे कार्ड रहेंगे। अच्छा, ठीक है, मात्र ओनली 14 रुपीज पीस की है। नेक्स्ट में आप कौन सा दिखा रहे हैं भैया? नेक्स्ट में मैं अभी प्लास्टिक कोटेड की सारी रेंज दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बॉन्टोन है, काफ़ी नामी कार्ड है। अच्छा, ठीक है, ये भी कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। जियो 555 वगैरह, वो सारे कार्ड भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, और बहुत सारे कार्ड है जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है दिखाना। आप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी वराइटीज़ अवेलेबल करा दे देगी। यहाँ पर जितनी कार्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, उतनी ही कि मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा हूँ उनको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप लोग भी समझ सकते हैं ये होल सेल शॉप है। अगर एक एक कार्ड अगर आप लोगों को दिखाया जाए तो फिर नहीं हो सकता है। इसके लिए भैया जो है से कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे बंडल्स रखे हुए हैं, देखिए सबको दिखा रहे हैं। और देखते रहिए आप लोग, देखिए कार्ड की यहाँ पर कमी नहीं है, काफ़ी सारा रेंज है, देख सकते हैं। देखिए आर्मी क्लब नाम की कार्ड है। ठीक है, अच्छा, जो भी इनफैक्ट जितने भी इंडियन थे सब इंडियन आर्मी को तो प्यार करते ही है, लेकिन उनके नाम से एक कार्ड भी डेडिकेट हुआ है। अच्छा जी, प्योर प्लास्टिक कोटेड कार्ड है। ठीक है, 100% प्लास्टिक है। ठीक है, इसका देख लीजिए कवर भी, पैकिंग भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का पैकिंग है। अच्छा, ठीक है, ये 45 रुपीज पर पीस की कार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी 540 रुपीज बॉक्स, 540 रुपये दर्जन की कार्ड है। अच्छा अच्छा, इंडियन आर्मी कार्ड है ये। हाँ, इंडियन आर्मी, आर्मी क्लब नाम है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए आर्मी सब स्टैंडर्ड 100% प्योर प्लास्टिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो भैया नेक्स्ट में आप कौन सा दिखा रहे हैं हमें? नेक्स्ट में इसी में आपको बहुत सारा रेंज मिल जाएगी। ये मुद्रा है। अच्छा, ये भी उसी रेंज की है। अच्छा, ये मुद्रा है, ये सीनियर की कार्ड है। ठीक अच्छा, है, ये काफ़ी जो अच्छे कस्टमर्स है, जिनके यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स आते हैं, वो सब ले जाते हैं कार्ड हमारे यहाँ। अच्छा, कम रेट से लेकर के अच्छे अच्छे जो क्वालिटी के कार्ड्स है वो भी अवेलेबल है। आपका जितना अफोर्डेबल है, जहाँ तक आपके कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं, वो उतने प्राइस तक आप ले जा सकते हो कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैग्नस है, ये 50 रुपीज पीस की है, काफ़ी अच्छी कार्ड है। ठीक है, ये भी 100% प्लास्टिक है, इनके भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ये एंकर है। ठीक है, इसमें भी जितनी पॉसिबल हो सकता हो मैं उतनी वैरायटी दिखा रहा हूँ। ये भी एंकर है। अच्छा, समझो कि आप महंगे में इतने रेंज है मेरे पास। अच्छा जी, अब
अब मैं दिखाता हूँ आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कार्ड है मिस्टर मैन की। अच्छा अच्छा, मिस्टर मैन। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे इस कार्ड की फीचर ये है कि इस कार्ड पे डिस्क्लोज किया गया है कि कैसे आपको कार्ड पता करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ठीक है, ट्रॉली। अच्छा है, और यहाँ से राइट जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अच्छा, ठीक है। और उसको ऊपर जाइएगा तो जे जोकर यानी क्वीन है। अच्छा, ठीक है। तो इससे आप कार्ड को पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कार्ड में क्या है। जैसे कोई भी प्लेइंग कार्ड खेलता है तो ऐसे खेलता है। अच्छा, ठीक है। तो सामने, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो चिन्ह होगा, ठीक है, वही कार्ड की होगी। जैसे देखो यहाँ पे राइट साइड से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे गैप है, ठीक है, तो ये 8 होगी। अच्छा जी, मतलब कि यूनिक कार्ड हो गया। यूनिक कार्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सी वैरायटी है, ठीक है, बहुत सारे रेंज है कार्ड के, ठीक है। ये एक ही वैरायटी है, बहुत सारे कार्ड है उसमें अलग अलग है। जैसे ये मिस्टर मैक्स हो गया, इसमें आपको ये आएगा डॉक्टर डी, ठीक है, डॉक्टर डी है, मिस्टर मैक्स है, ठीक है। इसमें आपको मिस्टर फ्लुक भी आएगा। अच्छा जी, ठीक है, ये भी कार्ड है। जो भी कार्ड है सबके अलग अलग फीचर्स होंगे। जैसे इसमें था कि गैप होगा, इन सब में अलग अलग फीचर्स होंगे, ठीक है, वो आपको पढ़ के समझ सकते हो। ये ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अच्छा, ये भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ठीक है, पीछे से आप पकड़ सकते हैं क्या है कार्ड में। अच्छा, इसको भी पकड़ सकते हैं। हाँ जी, ये अभी मैंने लास्ट में जितनी भी कार्ड दिखाई है वो सारे को आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, उनसे आपको पता चल सकता है, ठीक है, सामने वाला किस कार्ड है, कौन सा कार्ड है। अच्छा जी, तो मतलब कि पैसा जो भी मतलब कि ग्रुप होते हैं खेलने वाले उनसे सबसे पैसा मतलब कि इकट्ठा करने का काफी अच्छा फंड है ना। हाँ जी, बहुत जिसको जानकारी होगा वही कर सकते हैं। हाँ, तो भैया कार्ड के अलावा आपके पास और क्या सब चीज मिल जाएगा? हमारे पास कार्ड के अलावा बहुत सारे रेंज है जो कि पॉसिबल नहीं है बताना, ठीक है। जितना हो सके हमारे यहाँ कॉस्मेटिक आइटम है, ठीक है, ज्वेलरी आइटम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, ब्रश वगैरह है, बैलून्स वगैरह है, बर्थडे आइटम है, राखी वगैरह रहते हैं, ओकेजनल आइटम भी, ओकेजनल आइटम में भी हम लोग डील करते हैं। राखी वगैरह अभी दशहरा है तो खिलौना वगैरह भी आएंगे, ठीक है। जंतर में हम लोग डील करते हैं, अभी करवा चौथ आने वाले तो हम लोग चलनी में भी डील करते हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक आइटम में हम लोग कैटेगराइज करके आपको बता सके, ठीक है। डिस्प्ले में आपका नंबर है, ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, और जो भी नए कस्टमर है जिनको पता नहीं है कि कैसे बिजनेस करना है या कुछ करना है, ठीक है, तो हम उनको प्रॉपर जो भी सामान हम लोग से ले जाते हैं उन वो प्रोडक्ट पे हम लोग रेट लिख देते हैं कि उनको सेल आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें बता दे सकते हैं, बता देते हैं कि उनको बेचने में दिक्कत ना हो। हम जो भी कस्टमर उनको अपना नंबर दे देते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें फ़ोन करके, या रेट कभी भूल गए या पुर्जा नहीं मिल रहा, गुम गया, तो इन केस में वो हमको फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया इनका रेट क्या है, तो हम लोग उनको बता देते हैं ताकि वो सेल आउट कर सके, सारी चीज़ अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग अगर नए बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को फर्स्ट में ही बताया, मतलब एक वीडियो में हम आपको ए टू जेड रेंज नहीं दिखा सकते, यहां पे इतना सारा रेंज है, इतना सारा रेंज है कि आप लोगों को इस वीडियो में हम कवर करके नहीं बता सकते। हम मतलब कि हर एक अलग अलग वीडियो हम बनाकर आप लोगों को जो है कि शॉप का दिखाएंगे, क्या भैया? हाँ जी। हाँ, तो गाइस अभी आप लोग देखे हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ प्लेन कार्ड के बारे में जानकारी दी, यहाँ पे इतना सारा कार्ड का आइटम भैया दिखाएं, आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ऐसे कि कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं भैया। आपको यहाँ पे जो है ऐसे कि हर प्रकार का कार्ड मिलेगा, जिस रेंज में लेना चाहेंगे उस रेंज में आपको यहाँ पे होल सेल रेट में कार्ड मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर में डिस्प्ले पर चला है, आप लोग जो है ऐसे कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग को कार्ड लेना होगा तो। और एक बात और बहुत अच्छा भैया बताया, जैसे कि अगर आप लोग नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आप लोग भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ए टू जेड माल दिया जाएगा और प्राइस भी आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग दुकान खोल लिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डायरेक्ट भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखें आप लोग जो है कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग भी अपने बिजनेस का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर चल रहा है, आप लोग जो है कि हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद।